G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर राजनीतिक महाभारत छिड़ गया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार देश के दोनों नामों इंडिया और भारत में से इंडिया को बदलना चाहती है। इस महाभारत को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उनका कहना है कि विपक्ष को भारत शब्द से परेशानी किया है, हम सभी बचपन से भारत माता की ही जय कहते आ रहे हैं। सीएम धामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सीएम धामी ने। देखिए, क्योंकि हम लोग बचपन से ही भारत माता की जय कहते हुए आए हैं, हम सब यही सुनते आए हैं, और इसमें भारत शब्द से आखिर इतनी परेशानी क्या है। जब जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के परम वैभव की ओर देश को ले जाने का काम करते हैं, देश की जो हमारी संस्कृति है उस सब को लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं तो उस पर अनावश्यक रूप से इस प्रकार की बातें करते हैं। सनातन को लेकर जिस प्रकार से आज उनके बयान आ रहे हैं, गठबंधन में शामिल नेताओं के बयान आ रहे हैं,